देश के लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा के केंद्र आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर और कर्नाटक के मिल्क ब्रांड नंदिनी के बीच प्रसाद के लड्डू को लेकर एक विवाद छिड़ गया है। मशहूर तिरुमाला मंदिर अब कर्नाटक मिल्क फेडरेशन यानी KMF के नंदिनी घी को अपने प्रसाद के लड्डू बनाने में इस्तेमाल नहीं करेगा। KMF के चेयरमैन भीमा नायक ने हाल ही में कहा कि नंदिनी ब्रांड घी अब आंध्र प्रदेश के तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसिद्ध लड्डुओं को बनाने के लिए सप्लाई नहीं किया जा रहा है। PTI की खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि अपने प्रोडक्ट्स को नंदिनी ब्रांड नाम से बेचने वाला KMF कीमतों से समझौता नहीं कर सकता है और ऐसे में उन्होंने TTD के टेंडर प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया था। हाल ही में कर्नाटक कैबिनेट ने नंदिनी मिल्क के दाम 1 अगस्त से 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का ऐलान किया था। नायक ने कहा कि TTD को घी की सप्लाई रुके 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है और ये कोई नई घटना नहीं है। बस तिरुमाला मंदिर को प्रसाद के लड्डू के लिए नंदिनी घी नहीं मिलने की बात से एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। KMF पिछले कई वर्षों से तिरुमाला मंदिर को प्रसाद के लिए घी मुहैया करा रहा है, ऐसे में दोनों के बीच समझौता टूटना एक राजनीतिक विवाद की वजह बन गया है और मामला सुर्खियों में आ गया है। कर्नाटक BJP ने इसका आरोप कांग्रेस की राज्य सरकार पर लगा दिया है और इसे एंटी हिंदू बता दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा है कि तिरुमाला को नंदिनी घी की सप्लाई BJP के दौर में ही रुक गई थी। KMF के प्रेसिडेंट भीमा नायक ने 30 जुलाई को कहा कि मंदिर ट्रस्ट ने घी का टेंडर एक दूसरी कंपनी को दे दिया है और नंदिनी मिल्क प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने के चलते KMF ने इस टेंडर प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया। TTD के अफसरों ने कहा है कि ये टेंडर सबसे कम बिड वाले वेंडर को दिया गया है। TTD के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर AV धर्म रेड्डी ने PTI को बताया कि घी सप्लायरों को क्वालिटी और कॉस्ट दोनों पैरामीटर पर खरा उतरना होता है, तभी लड्डू के लिए घी का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक मिल्क फेडरेशन कीमतों पर समझौता नहीं कर सकता और ऐसे में उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। नंदिनी मिल्क के दाम बढ़ाने का ऐलान करते हुए डिप्टी CM DK शिव कुमार ने बीते हफ्ते कहा था कि किसानों की मदद करने के लिए दूध के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया ने कहा है कि कर्नाटक दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे सस्ता दूध बेच रहा है। उन्होंने कहा कि टोंड दूध 39 रुपए की जगह अब 42 रुपए प्रति लीटर के भाव पर बिकेगा। उन्होंने कहा कि बाकी जगहों पर दूध 54 से 56 रुपए प्रति लीटर भाव पर बिक रहा है। इस साल अप्रैल में कर्नाटक में अमूल बनाम नंदिनी का विवाद भी खूब छाया रहा। तब अमूल के बेंगलुरु में दूध बेचने को लेकर कांग्रेस ने BJP पर बड़ा हमला किया था। खैर, अब तिरुमाला मंदिर में प्रसाद के लड्डुओं के लिए घी की सप्लाई नंदिनी की ओर से ना होना एक मसला बन गया है और इसने राजनीति को भी तेज कर दिया है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।